keep you in my heart, and my heart is where you are. Hello everyone, this is me Tanu and welcome back in my channel. और आज है हमारा डे 4 नॉर्दर्न आइलैंड का. हम जा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी पार्थ देखने. तो यहाँ आयरिश सी के अराउंड जो है 9 वैलीज है, तो उन 9 वैलीज में बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है, तो हम वहाँ जा रहे हैं. तो अब हम आए हैं वन ऑफ द वैली जिसे ग्लैन भी कहते हैं, ग्लैन रिफ. तो यहाँ पे वाटरफॉल है, तो अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ. तो चलिए मेरे साथ. बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं इसको देखकर. मम्मी को नीचे चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो इसलिए मम्मी ऊपर बैठी हुई है और हम लोग नीचे जा रहे हैं. ऊपर बहुत सारी बेंचेस लगी हुई है, तो इजीली वहाँ पे नज़ारे अच्छे हैं तो बैठ सकते हैं. तो ये है नीचे वाटरफॉल जाने का रास्ता. हम करीब 3 किलोमीटर नीचे उतरेंगे और वापस भी 3 किलोमीटर दोबारा ऊपर चढ़ के आना है. सो लेट्स सी. और ये ऐसे रास्ते बने हुए हैं जो थोड़े स्लिपरी भी हैं. आई होप नीचे अच्छा सा मिल जाए वाटरफॉल का व्यू. तो ये जो ग्लैन रिफ फॉरेस्ट पार्क है, इसके अंदर ये क्वीन ऑफ ग्लैन्स है एक्चुअली में. और यहाँ पे एंट्री फ्री है, सिर्फ पार्किंग के 5 pounds आपको देने पड़ेंगे और आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी. टोटल यहाँ पे 3 वाटरफॉल है और कई लोग यहाँ पे रुक के स्विम भी करते हैं. वाटरफॉल का बहुत ही अच्छा नज़ारा था, बहुत मज़े आ रहे थे. हम इसको देखने के लिए काफ़ी नीचे आ गए थे और अब यहाँ पे स्टेयर्स है, तो हम स्टेयर्स से ऊपर की तरफ जा रहे हैं. अब हमसे गड़बड़ हो गई है, हमने जल्दी ऊपर जाने के चक्कर में मेन रूट ना पकड़ के ये एक छोटा सा रास्ता जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं थे, हमने वो पकड़ लिया और हम इधर ऊपर की तरफ जा रहे हैं. तो अब हम इस एडवेंचर रास्ते से जा रहे हैं. पीछे से मुझे कह रहे हैं कि आगे चल जल्दी. और ये एक हमारा साथी ऊपर खड़ा है और बाकी के 3 हमारे पीछे आ रहे हैं. पियो ध्यान से. आगे बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी और बहुत ही डेंजरस रास्ता लग रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि हम अब ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वो पता नहीं हमें कहाँ लेके जा रहा था. तो अब हम नीचे की तरफ वापस आ रहे हैं, तो वही बात हो गई, लौट के बुद्धू घर को आए. तो अब हम फाइनली नीचे उतर गए हैं अपने 45 minutes वेस्ट करके ऊपर. बट बहुत ही एडवेंचरस था, डर भी लग रहा था. और अब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं इधर से. ये जो ग्लैन रिफ का ट्रिप है ये हमारा बहुत ही अच्छा था, हमने खूब मस्ती की, एडवेंचरस था और वाटरफॉल का तो व्यू बहुत ही अच्छा था जो कि मैंने आपको दिखाया भी है. तो अब हम यहाँ पर ऊपर आ गए, यहाँ पे बैठ के हमने लंच किया, सब यहीं पे इकट्ठा हुए हैं. और यहाँ का एक और व्यू मैं आपको दिखाती हूँ और अब हम दूसरे ग्लैन की तरफ जा रहे हैं.
अब हम हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से विलेज में, और यहाँ पर एक वन ऑफ द ग्लैन है कुशिंडल बीच, तो हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। और ये अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है, तो यहाँ पे चलते हैं अंदर, तो थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ इस विलेज का। हेलो मम्मी, घर कैसे लग रहे हैं? इंडिया की याद नहीं आ गई आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए। हाँ, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा विलेज है, शांति प्रिय, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ, और अभी हम बीच जा रहे हैं। अब वॉक करते हुए, सुंदर रास्तों को देखते हुए, घरों को देखते हुए, अब हम पहुंच गए हैं कुशिंडल बीच। बहुत ही शांत पीसफुल जगह है ये, यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल गए हैं और ग्लेन को देखने के लिए। ये सारे ग्लेन आसपास ही है, बट जो रोड ट्रिप है, जो रास्ते का व्यू है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैंने कुछ व्यूज़ जो है वो कैप्चर करे हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब हम कोस्टल एरिया विजिट कर रहे थे, तो बीच में ये व्यू पॉइंट आया है और हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर इसको देखने के लिए। लोग यहाँ पे फिशिंग भी कर रहे हैं। बहुत ही पीसफुल एरिया है, ज़्यादा लोग नहीं है। हम चाय लेके आए थे तो चाय पी। और यहाँ बीच बीच में घर भी बने हुए हैं। विलेज है, लेकिन सारे घर जो है बाहर से भी अच्छे लग रहे हैं। ज्यादा लोग है नहीं यहाँ पर, बट बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सुंदर है एरिया है ये। अब हम पहुंचे हैं एक और ग्लेन, जिसका नाम है कुशिंडल, और ये भी इतना सुंदर था, इसके व्यूज की मतलब आप, मैं, मेरा मन ही नहीं था वहां से आने का। और जब हम ये घर की तरफ जा रहे थे, तो हमें ये लेवेंडर के फार्म्स दिखे, बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी यहाँ पे, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे देखने के लिए रुके और फ़ोटो क्लिक्स कराई। और इसी के साथ ही हमारा डे 4 नॉर्दर्न आयरलैंड का फिनिश होता है, और हम डे 5 में नेक्स्ट डे हम लंदन की तरफ निकलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।